नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पद्मेश जैन, एडवांस नी एंड शोल्डर हॉस्पिटल अहमदाबाद। हमें कई सारे दर्शकों ने ये अनुरोध किया था कि डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक हीट बेल्ट और ऑर्थोपेडिक हॉट फॉर्मेंटेशन के बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने ऑर्थोपेडिक हीट बेल्ट का यूज़ कैसे करना है, ऑर्थोपेडिक जेल पैड का यूज़ कैसे करना है, उनको किन कंडीशंस में यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है और किस तरह से यूज़ करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ऑर्थोपेडिक हीट पैड से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम इस हीट पैड का यूज़ ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो एडवर्स इफ़ेक्ट यानी कि हानि भी हो सकती है। तो इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है, आधी जानकारी खतरनाक है। तो हम शुरू करते हैं कि ऑर्थोपेडिक हीट बेल्ट क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। ऑर्थोपेडिक हीट बेल्ट कई तरह का होता है। कई बार हम गर्म पानी वाला हीट बेल्ट यूज़ करते हैं, परंतु आज जो मैं आपको बेल्ट दिखाने जा रहा हूँ ये एक इलेक्ट्रिकल हीट पैड है, जो एक इंसुलेटेड हीट पैड है जो थ्री लेयर ऑफ पीवीसी का बना हुआ है। उसके ऊपर एक फ्लेक्सिबल कपड़े की कवरिंग है और ये चार्जेबल बेल्ट है, जो इसमें एक इलेक्ट्रिकल चार्जर दिया हुआ है जिससे आप इसको चार्ज करके गर्म कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसमें एक प्लग होता है, उस प्लग को इस तरह से लगा दिया जाता है और ये जो प्लग है चार्जिंग पर लगा देते हैं और जैसे हम इसको ऑन करते हैं ये लाल लाइट जल जाती है। ये लाल लाइट इस बात की द्योतक है कि ये चार्ज हो रहा है। जब तक भी ये चार्ज होता रहे आपको इसको यूज़ नहीं करना है, इसको छूना नहीं है, आप इसको रहने दें। जब भी ये बेल्ट पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो ये लाल लाइट जलनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये फिट टू यूज़ है और ऑप्टिमम टेम्परेचर तक गर्म हो चुका है। इसमें एक इनबिल्ट टेम्परेचर कंट्रोल है, इसलिए ये एक लिमिट से ऊपर गर्म नहीं होगा, इसलिए आपको हीट इंजरी या गर्म इंजरी होने की चांस जो है वो लिमिटेड रहती है। हम इसको चार्ज करने के लिए छोड़ देते हैं और फिर हम बताएंगे कि कैसे यूज़ करना है। तब तक हम बात इस पे करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो कोई भी हीट बेल्ट या हीट थेरेपी या हॉट फॉर्मेंटेशन जो होता है वो वेसोडाइलेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये खून की धमनियों में खून का प्रवाह बढ़ा देता है और जब खून का प्रवाह बढ़ता है तो जो है हीलिंग, आपकी जो टिश्यू की हीलिंग होती है वो बढ़ जाती है। जैसे ही खून का प्रवाह बढ़ता है आपका शरीर अच्छे से हीलिंग करने में प्रमोट करने लग जाता है। तो इसी कारण से ये उन तकलीफ़ों में यूज़ होता है जो आम तौर पे वैसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लंबे समय तक रहती हैं और आपको काफ़ी परेशान कर देती हैं, जैसे कि कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, बाजू का दर्द, फ्रोजन शोल्डर की अगर आपको तकलीफ़ है, कई केसेस में टेनिस एल्बो की तकलीफ़ है या और कोई तरह का टेंडिनाइटिस आपको कोहनी में या कलाई में है, एंकल और फुट के डिसऑर्डर मतलब आपके पाँव के पंजे में तकलीफ़ है, एड़ी में दर्द हो रहा है या पाँव में दर्द हो रहा है और ये तकलीफ़ लंबे समय से है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठंड के मौसम में अगर आपकी कोई मसल अकड़ गई है, कोई मसल जाम हो गई है, क्रैम्प आ गया या स्पाज़म आ गया है तो भी ये काम की वस्तु है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमको कब प्रयोग नहीं लेना है। अगर कोई भी ऐसी बीमारी है जो एक्यूट है, मतलब आपको एकदम से चोट लग गई है, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, शरीर में सूजन आ गई है, जोड़ों में दर्द आ गया है, जोड़ों में सूजन एकदम से आ गई है, कोई भी एक्यूट कंडीशन है, कोई एक्यूट इंजरी है, तो वहाँ पर ये हॉट फॉर्मेंटेशन यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको इन्फेक्शन की तकलीफ़ है, अगर आपको डायबिटीज़ है स्पेसिफिकली, और डायबिटीज़ होने के कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है या किसी और कारण से न्यूरोपैथी हो गई है तो भी ये वस्तु आपके लिए नहीं है, आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उस केस में ये आपको बर्न कर सकती है, आपकी स्किन को जला सकती है। अगर आपको ब्लड क्लॉट्स की तकलीफ़ है, अगर आपको चमड़ी का और भी कोई डिसऑर्डर है तो भी ये पद्धति आपको प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऑलमोस्ट हो चुका है तो हम इसको निकाल सकते हैं, हीट बेल्ट रेडी है, इसका टेम्परेचर ऑप्टिमम है और फिर इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपको जहाँ पर भी दर्द है, जैसे कि आपके गर्दन में अगर दर्द हो रहा है तो आप गर्दन में इसको रख सकते हैं इस तरह से, अगर आपके कंधे में दर्द हो रहा है तो आप कंधे में इस तरफ से रख सकते हैं, अगर आपके कलाई में दर्द हो रहा है तो
तो आप इसको कलाई पे रख सकते हैं। अगर आपकी कोहनी में दर्द हो रहा है तो कोहनी पे रख के सेक कर सकते हैं, और अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो आप इसको कमर की साइड में भी रख सकते हैं, और ये जो है आपको रिलीफ देगा। इसको आप करीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख सकते हैं और उसके बाद रीहीटिंग के लिए इसको चार्ज कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह कि जब ये चार्ज हो रहा है तब इसका सेक नहीं करें, इसको यूज़ नहीं करें, इसको चार्ज होने दें। एक बार ये चार्ज हो जाता है तो ये अच्छा गर्म हो जाएगा एंड वो एक परफेक्ट टाइम होगा जब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे आप इसको यूज़ करेंगे ये ठंडा हो जाएगा, फिर अगर आपको रिक्वायरमेंट लगेगी तो आप इसको वापस चार्ज कर सकते हैं। तो ये रिचार्जेबल है, आप इसको रिपीटेड टाइम्स पर यूज़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जहाँ पे हॉट फर्मेंटेशन का यूज़ होता है वहाँ पे ये बेल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने कोल्ड फर्मेंटेशन मतलब बर्फ़ के सेक के बारे में बताया है, और वो भी स्पेसिफिक कंडीशन में बर्फ़ का सेक बहुत लाभकारी होता है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें बर्फ़ के सेक के बारे में सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया आमतौर पे गर्म और ठंडे सेक में अंतर यह रहता है कि अगर आपको चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, कोई किसी तरह की एक्यूट प्रॉब्लम है तो आप बर्फ़ का सेक करें, और ऐसी परेशानी है जो आपको लंबे टाइम से परेशान कर रही है तो आप गर्म सेक करें, जो हॉट फर्मेंटेशन या ऑर्थोपेडिक हीट पैड का या ऑर्थोपेडिक जेल पैड जो इस तरह का होता है उसका आप सेक कर सकते हैं। तो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में जब आप सर्जिकल नहीं जा रहे हैं, कोई प्रोसीजर के लिए नहीं जा रहे हैं, तो इस तरह के हीट पैड्स आपको लोकल आराम देने के लिए बहुत ही प्रभावशाली बेल्ट्स होते हैं। तो आप इनका यूज़ सही कंडीशन में कर सकते हैं। ध्यान रखिए इनके गलत इस्तेमाल से, गलत प्रयोग से हानि हो सकती है, इसलिए जो मैंने आपको कंडीशंस बताई वो कंडीशंस में इसका प्रयोग करें, और जो कंडीशंस बताई जहाँ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए वहाँ प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में इसका प्रयोग करना नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर आपको इस बेल्ट के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।